SN लाइव सच सबसे आगे। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा मैसेज भगवान राम की तस्वीर के साथ आरबीआई जारी कर रहा 500 रुपए के नए सीरीज वाले नोट। देखिए हमारे विशेष संवाददाता परवेज अख्तर की एक खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है और बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को इसे लॉन्च किया जाएगा। क्या 22 जनवरी 2024 को बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक भगवान श्री राम की तस्वीरों वाला 500 रुपए के नए सीरीज का नोट जारी करने जा रहा है? क्या आरबीआई भगवान श्री राम और अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीरों के साथ 500 रुपए का नोट जारी करने जा रहा है? 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीरों के साथ 500 रुपए के नोट का फोटो लगातार वायरल हो रहा है। उधर राम मंदिर की तस्वीरों के साथ 500 रुपए के नोट का लगातार फोटो वायरल होने की पुष्टि अभी तक न्यूज इंडिया तक नहीं कर पा रहा है, लेकिन इन दिनों श्री राम का नोट पर तस्वीर लगा फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नोट पर महात्मा गांधी की जगह तस्वीर श्री राम की है। तस्वीर सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम और अयोध्या में श्री राम मंदिर की तस्वीरों के साथ वाला 500 रुपए के नोट को देखें तो 500 रुपए के नोट में जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर है, तो वहां वायरल हो रहे 500 रुपए के नोट में भगवान श्री राम की तस्वीर है और नोट के पीछे जहां लाल किले की फोटो है, वहां अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है। आरबीआई जारी कर रहा नए सीरीज के नोट। एक तरफ ये नोट वायरल हो रहा है, पर भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भगवान श्री राम की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए सीरीज के नोट जारी किए जाने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। सूत्रों के मुताबिक भगवान श्री राम की तस्वीरों के साथ वायरल हो रहा 500 रुपए का नोट फर्जी है। बैंकिंग सेक्टर के जानकार और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा ने कहा कि आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई ना तो घोषणा की गई है और ना जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये एक फेक न्यूज है। आरबीआई ऐसा कोई 500 रुपए के नए सीरीज का नोट जारी नहीं करने जा रहा। आरबीआई पहले भी कर चुका है खंडन। ऐसा पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह किसी और तस्वीर के साथ 500 रुपए के नए सीरीज के नोट जारी किए जाने की बात सामने आई है। जून 2022 में ये बातें रिपोर्ट की जा रही थी कि आरबीआई मौजूदा करेंसी और बैंक नोट में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम की तस्वीर वाले नए सीरीज के नोट छापने पर विचार कर रहा है, जिसके बाद आरबीआई को इस खबर का खंडन करने के लिए सामने आना पड़ा। तब आरबीआई ने कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव आरबीआई के सामने नहीं है। एसएन लाइव से परवेज। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट